चैनल रिचेश मेहरा ब्लॉग और मैं हूँ रिचा। तो बस आप देख सकते हो कि मैं अभी किचन में हूँ। तो मैं अभी खाना बनाने वाली थी तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँ। और वो रेसिपी बहुत ही इजीली बन जाती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो मैं बनाने वाली हूँ पालक दाल। तो पालक दाल की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो है फ्लिपकार्ट और शॉपसे के ऊपर। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ आप जाके एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि शॉपसे में आजकल बहुत सारे ऑफर्स चल रही है, सेल चल रही है। तो गाइस उस वीडियो में मैंने बताया है कि जो भी प्रोडक्ट नो रिटर्न पॉलिसी के हो वो आपको बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको लॉस ही होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाके एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आप लोगों के साथ कोई बड़े अमाउंट का स्कैम ना हो जाए। देर किए स्टार्ट करते हैं पालक दाल की रेसिपी। तो गाइस सबसे पहले लिया है मैंने एक कुकर। अब इसमें हम डालेंगे दाल, आप जितने भी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम दाल को बहुत ही अच्छे तरीके से 2 या 3 बार वॉश करेंगे। और आप देख सकते हो कि मैंने वॉश करके दाल को अलग ही रख दिया है। अब हम पालक को साफ करके बहुत ही अच्छे से बारीक बारीक कट कर देंगे। पालक को बारीक कट करने से ये भी फ़ायदा रहता है कि उसमें जितनी भी मिट्टी लगी होती है वो बहुत ही अच्छे से पानी में वॉश करने से निकल जाती है। आप देख सकते हैं कि पालक को मैंने कितना बारीक कट किया हुआ है। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर हमने जो दाल धो के रखी हुई है उसमें दाल के लिए जितना पानी चाहिए वो आप पानी आप पहले ही मेज़रमेंट कर लीजिए कि आपको दाल में कितना पानी डालना है। और उसके बाद आपको डालनी है पालक। पालक के लिए आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पानी डाल देने से दाल बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है। पालक डालने के बाद आपको इसमें डाल देना है हल्दी और नमक। मैं आपको बता दूँ कि पालक दाल में किसी भी प्रकार के मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर लिया है मैंने तड़के के लिए 1 प्याज, 1 टमाटर, 4 मिर्चियाँ, 7-8 कली लहसुन की और थोड़े से कड़ी पत्ता। अब जब तक के दाल उबल रही है तब तक के हम जितने भी तड़के का जो सामान है वो हम तैयार करके रख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दाल बनाने के लिए कुकर में 3 या 4 सीटी ही बहुत हो जाती है। 4 सीटी में ही दाल और पालक बहुत ही अच्छे तरीके से उबल जाता है। तड़के के पहले आपको कुकर एक बार ओपन करके देख लेना है कि आपकी दाल अच्छे से पकी है या नहीं पकी है। कई बार ऐसा होता है कि कई सीटियां लगा लो लेकिन फिर भी दाल पकती ही नहीं है, तो इसलिए तड़के के पहले आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे लिया है मैंने तड़के के लिए 1 बर्तन, इसमें मैं डाल रही हूँ शुद्ध घी। आप चाहें तो दाल में तड़का ऑयल से भी लगा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर घी पिघलेगा वैसे ही इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन और जीरा। लहसुन को पूरा रेड होते तक आपको फ्राई करना है, तभी लहसुन का फ्लेवर आपको दाल में मिलेगा। आप देख सकते हैं कि लहसुन का कलर पूरा रेड हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता और मिर्ची, उसके बाद डालेंगे हम इसमें प्याज। अब हमें प्याज को भी पूरा ब्राउन होने तक के फ्राई करना है। यहाँ पे प्याज बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी 2 मिनट तक के आपको अच्छे से फ्राई करना है। जितना ज़्यादा आप टमाटर और प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा दाल का जो ओरिजिनल जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है।
यहाँ पे हमारी दाल बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कि इसका कलर इतना अच्छा आया है, और अगर आप इस तरीके से दाल बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइज़ यहाँ पे छोटी सी चिड़िया है जो यहाँ कांच से निकल नहीं पा रही है। एक्चुअली मुझे चिड़िया से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि वो चोंच ना मार दे, इसलिए मैं इसकी हेल्प अच्छे से कर नहीं पा रही थी। बट फिर भी ये चिड़िया बहुत छोटी सी थी तो मैंने वाइपर से इसे उठा के इसे उड़ा दिया। आप देख सकते हो कि एक चिड़िया और इस चिड़िया को लेने के लिए आ रही थी। गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे अभी बहुत सारा काम है, अभी बहुत सारे बर्तन निकल चुके हैं तो वो मुझे वॉश करके रखना है, और कपड़े जो धुले हुए थे वो मुझे प्रेस करके रखना। मैं सारे काम के चक्कर में ब्लॉग का एंड करना भूल जाऊँगी। ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा ब्लॉग्स। बाय गाइज़।